अगर आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं और अपने सांसारिक समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम की यात्रा कर सकते हैं। वहां जाकर बालाजी महाराज से अर्जी लगाने पर हनुमान जी की कृपा से आपकी सारी दुख परेशानियां दूर हो सकती हैं। बागेश्वर धाम में स्वयंभू हनुमान जी यानी कि बालाजी महाराज का दिव्य मंदिर है, जहाँ लाखों लोग अपनी अर्जियां लगाने जाते हैं और अपनी समस्याओं तथा दुखों से निजात पाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इसी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ बागेश्वर धाम भी पूरे भारत में विख्यात हो गया है। इस धाम की महिमा ही ऐसी है कि आज हर कोई यहाँ जाकर बालाजी महाराज के दर्शन करना चाहता है और अपनी अर्जी लगाना चाहता है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज अपने भक्तों की अर्जियां बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माध्यम से सुनते हैं और उनके ही माध्यम से अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान भी करवाते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव गढ़ा में स्थित है, जो स्वयंभू हनुमान जी के दिव्य मंदिर के लिए जाना जाता है। बागेश्वर धाम में तपस्वियों की दिव्य समाधि भी है, जहां लोगों को बालाजी महाराज के दर्शन मात्र से असीम कृपा और समस्याओं से निदान की प्राप्ति होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी तक भक्तों की अर्जियां पहुंचाते हैं और उनके आदेश से ही उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। बागेश्वर धाम में जाने वालों को अपनी अर्जी लगाने के लिए टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद ही वह मंदिर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी से भेंट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना और पीठाधीश्वर से परामर्श लेना बिल्कुल ही निशुल्क है। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को बालाजी महाराज का दरबार लगता है, जहां अर्जी लगाने वाले भक्तों को अपनी पेशी लगानी पड़ती है और महाआरती में सम्मिलित होकर महाप्रसाद ग्रहण करना होता है। इसी मंगलवार के दिन बागेश्वर धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है, जहाँ लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। बागेश्वर धाम में अक्सर समय समय पर टोकन का वितरण किया जाता है। ऐसे में टोकन लेने के लिए आपको बागेश्वर धाम समिति से संपर्क में जाना होगा। टोकन के लिए बागेश्वर धाम में एक तिथि निर्धारित की जाती है और भक्तों को इसकी सूचना दी जाती है। टोकन जमा करने के लिए मंदिर परिसर में एक टोकन पेटी रखी होती है, जिसमें लोगों को अपना नाम, पिता का पूरा नाम, पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन जमा करने के बाद जिन लोगों को अर्जी लगाने के लिए चुना जाता है, उनसे बागेश्वर धाम समिति संपर्क करती है और उन्हें टोकन दे दिया जाता है। टोकन के साथ लोगों को अर्जी लगाने के लिए तारीख दी जाती है। इस मौके पर वह बागेश्वर धाम दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए हाजिर हो सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद लाखों लोगों को उनकी समस्याओं से निदान मिल चुका है। अगर आप भी बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आसान है। अर्जी लगाने के लिए आपको एक नारियल साथ ले आना पड़ता है। लाल, पीले और काले रंग के कपड़े लपेटकर यह नारियल मंदिर परिसर में रखने होते हैं। हालांकि कपड़े का रंग इस बात से भी निर्धारित होता है कि आप किस चीज की अर्जी लगाना चाहते हैं। अगर आप किसी सामान्य समस्या की अर्जी लगाना चाहते हैं तो लाल कपड़े में नारियल लपेटकर मंदिर परिसर में रख सकते हैं। लेकिन आपकी परेशानी यदि शादी विवाह से जुड़ी हुई है तो आपको पीले कपड़ों में लपेटकर नारियल रखना होता है। और आखिर में अगर आप प्रेत बाधा की परेशानी का समाधान चाहते हैं तो अर्जी लगाने के लिए काले कपड़े में नारियल लपेटकर मंदिर परिसर में रख दें। मंदिर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार अगर आप बागेश्वर धाम पहुंचकर अपनी अर्जी लगाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने घर पर रहकर भी पूजा स्थली पर अपनी अर्जी लगा सकते हैं। आपको वहां भी अर्जी लगाने के लिए बिल्कुल यही प्रक्रिया अपनानी होती है।
अगर आप बागेश्वर धाम या अपने घर पर ही पूजा स्थल पर सच्चे मन से बालाजी महाराज को याद करके अर्जी लगाते हैं तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार अर्जी लगाने के लिए कुछ बातें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती। अर्जी डालने के दौरान आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और गृहस्थ जीवन से परहेज करना होता है। अर्जी स्वीकार होने के लिए आवश्यक है कि आप अर्जी डालने के बाद लगातार 4 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अर्जी मंजूर होने पर आपको अर्जी लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए नारियल और कपड़े को बागेश्वर धाम लेकर जाना होता है। अर्जी मंजूर होने के बाद आपको कम से कम 5 बार मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी पड़ती है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी इस बारे में बताते हैं, इस दौरान आपको उपरोक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी स्वीकार होने के बाद अर्जी लगाने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को सपनों में बालाजी महाराज बंदर के स्वरूप में दर्शन देते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। कई बार हो सकता है कि आपकी अर्जी एक बार में स्वीकार ना हो, इसीलिए निराश होने की बजाय मंगलवार के दिन आप अर्जी लगाने की विधि को फिर से दोहरा सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से बालाजी महाराज की आराधना करते हैं तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।